नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका NCERT धमाका 98 पर। और आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 संस्कृत की तृतीय पाठ है, जिसका नाम है डिजी भारतम, के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। और अगर आप इस वीडियो में पूरे अंत तक बने रहते हैं तो हम आपको यकीन दिला सकते हैं कि आपको इस चैप्टर के रिवीजन की जरूरत अपनी पूरी लाइफ में कभी भी नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि इससे संबंधित जितने भी हमारे संस्कृत के वर्ड होंगे उनको हम हिंदी भाषा में कन्वर्ट करके समझने वाले हैं। सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले हम इसकी प्रस्तावना देखेंगे, क्योंकि उसी के माध्यम से हमें पता चलेगा चैप्टर कहाँ से और क्यों लाया गया है। प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया निबंधात्मक पाठ है, यानी इसमें एक तरह से आपको निबंध देखने को मिलेगा संस्कृत भाषा में। इसमें वैज्ञानिक प्रगति की उन आयामों को छुआ गया है जिसमें हम एक क्लिक द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा, हमारा जो फोन होता है उस पर हम एक क्लिक से बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे कि इंटरनेट चला सकते हैं, अपनी फोटो ले सकते हैं, अपनी आवाज़ रिकॉर्ड कर सकते हैं, और इसके अलावा बहुत कुछ हम कर सकते हैं। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया है, हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत निकट आ गए हैं। यानी कि अगर कोई व्यक्ति दो अलग अलग देशों में है, लेकिन फिर भी फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से और वीडियो कॉल के माध्यम से एक दूसरे के निकट आ गए हैं। इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गए हैं। ऐसे ही भावों को यहाँ सरल संस्कृत में व्यक्त किया गया है। चलिए पाठ को स्टार्ट करते हैं। अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। अब सर्वप्रथम हम यहाँ पर देखेंगे जो संधि विच्छेद है इसके। देखिए इत्यस्य, इत्यस्य दो वर्णों का मेल है, इति प्लस अस्य। अब हम इसका हिंदी में अर्थ समझते हैं। देखिए अद्य, अद्य का मतलब होता है आज। संपूर्ण विश्वे, संपूर्ण विश्व में, पूरे जगत में डिजिटल इंडिया, ये जो नाम है डिजिटल इंडिया, इत्यस्य इसकी चर्चा श्रूयते, चर्चा सुनी जाती है। यानी कि आज संपूर्ण विश्व में, जितने भी पूरे विश्व है पूरा, उसमें डिजिटल इंडिया की चर्चा सुनी जाती है। अस्य पदस्य कहा भाव इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। अस्य पदस्य का हमारे यहाँ पे मतलब होता है इस पद का, इस शब्द का। कौन सा शब्द? डिजिटल इंडिया। कहा मतलब क्या भाव, क्या अर्थ है, यानी ये जो शब्द है डिजिटल इंडिया, इसका क्या भाव है, इसका क्या अर्थ है, वो हम यहाँ पर देखेंगे। इति, यह मनसि, मन में जिज्ञासा, जानने की इच्छा उत्पद्यते, उत्पन्न होती है। यानी ये जो शब्द है डिजिटल इंडिया, ये क्या है, इसको जानने के लिए मन में क्या उत्पन्न होती है, जिज्ञासा उत्पन्न होती है। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते। देखिए इसका संधि विच्छेद देखेंगे, आवश्यकता अपि, आवश्यकता प्लस अपि। अब देखिए इसका हम अर्थ समझते हैं। देखिए काल परिवर्तनेन, समय परिवर्तन के साथ साथ, काल परिवर्तन सह के साथ साथ, यानी जो हमारा समय होता है ना, वो जब बदलता है तो लोगों की जरूरतें भी बदल जाती हैं। तो यहाँ पे वही बताया गया है, जैसे जैसे समय बदलता है मानवस्य आवश्यकता भी परिवर्तते, मानव की आवश्यकता भी बदलती हैं। परिवर्तन मतलब कि बदलती हैं, जैसे जैसे टाइम निकलता है मानव की जरूरतें भी बदल जाती हैं। जैसे कि पुराने जमाने में अगर हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना होता था तो हमें बैलगाड़ी की जरूरत होती थी, लेकिन आज के समय में अगर हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो हम कार यूज करेंगे या फिर बाइक यूज करेंगे, लेकिन अगर बगल में बैलगाड़ी रखी हो तो उसका यूज हम नहीं करेंगे, क्योंकि समय परिवर्तन के साथ साथ सब कुछ बदल जाता है। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदान मौखिकम आसीत, विद्या चा श्रुति परंपरा गृहते स्म। देखिए प्राचीन काले मतलब प्राचीन काल में, पहले जमाने में, जब पहले का टाइम था उस टाइम की बात की जा रही है। ज्ञानस्य आदान प्रदान, ज्ञान का जो आदान प्रदान है, जो पढ़ाई होती थी वो कैसे होती थी, मौखिकम आसीत, मुंह के द्वारा होती थी, मौखिक रूप से होती थी। यानी कि अगर यहाँ पर एक गुरु है तो गुरु अपने शिष्य को बोलकर सबको समझाता था और शिष्य बड़ी गहनता से उसको सुन के अपने दिमाग में रख लेता था। वहां पर पहले कुछ भी लिखाई का काम नहीं होता था। लेकिन आगे क्या हुआ, विद्याचा श्रुति परंपरा गृहते स्म, यानी कि अब आगे बताया जा रहा है विद्या, विद्या मतलब और पढ़ाई,
ऋचा श्रुति परंपरा, श्रुति परंपरा के द्वारा गृहते स्म ग्रहण की जाती थी। यानी क्या होता है श्रुति परंपरा, हमने अभी आपको बताया कि जो गुरु है वो बोलकर बताएगा अपने शिष्य को, और वो शिष्य जो है ध्यान पूर्वक सुन के अपने दिमाग में स्टोर कर लेगा। तो इस पूरी प्रोसेस का क्या नाम होता था, श्रुति परंपरा, यानी कि बिना कुछ लिखे सब कुछ अपने दिमाग में रख लेना। लेकिन काल का परिवर्तन हुआ, समय परिवर्तित हुआ, तो आगे क्या होने लग गया, अनंतरम ताल पत्रोपरि भोज पत्रोपरि चा लेखन कार्यम आरब्धम। देखिए ताल पत्रोपरि, ताल पत्र प्लस उपरी, आगे है भोज पत्रोपरि, भोज पत्र प्लस उपरी। देखिए अब इसका हम अर्थ समझते हैं, अनंतरम, अनंतरम का क्या मतलब है, बाद में, बाद में ताल पत्रोपरि, ताल पत्र के ऊपर। ताल पत्र आपने देखा होगा जो भी लिखा रहता है ना, एक पत्ता होता है पेड़ का, वो ताल पत्र कहते हैं, उसके ऊपर लिखा जाता था पहले, मतलब कि पहले श्रुति परंपरा चली थी। उसके बाद जब उन गुरुओं को लगा कि नहीं अब तो हमें लिख लेना चाहिए क्योंकि हो सकता है आगे चलकर हम भूल जाएं, तो श्रुति परंपरा को छोड़ के लिखने का काम आरंभ हुआ। तो वहां पे क्या होते थे, पेज तो थे नहीं उस टाइम पर, तो जो पेड़ों के पत्ते थे ना, दो पेड़ों के पत्ते बेसिकली चलते थे, एक ताल पत्र एक भोज पत्र, तो उस पर वो लिख लिया करते थे। ठीक है, तो आगे देखेंगे, ताल पत्रोपरि, ताल पत्र के ऊपर, भोज पत्रोपरि, भोज पत्र पर, च और लेखन कार्यम आरब्धम, लेखन कार्य आरंभ हो गया। यानी कि बाद में ताल पत्र के ऊपर और भोज पत्र के ऊपर लेखन का कार्य आरंभ हो गया, लिखाई वहां से स्टार्ट हो गई। परिवर्तने काले कर्गदस्य लेखनायाः च आविष्कारेण सर्वेषामेव मनोगतानां भवानां कर्ग दोपरि लेखनं प्रारब्धम्। यानी कि अब हम समझेंगे इसके संधि विच्छेद पहले। देखिए सर्वेषामेव, सर्वेषाम प्लस एव, आगे है कर्गदोपरि, कर्गद प्लस उपरी। अब इसका हिंदी में समझते हैं, देखिए परिवर्तनी काले, परिवर्तनी काले मतलब समय परिवर्तन के साथ साथ, क्योंकि समय किसी के लिए रुकता तो है नहीं, लगातार चलता रहता है, तो और आगे समय आया और समय परिवर्तन के साथ साथ क्या हुआ, कर्गदस्य कागज की लेखन्या और कमल की, लेखन्या चा कमल की, चा मतलब होता है और, ठीक है ना, आविष्कारेण, आविष्कार यानी खोज से, सर्वेषामेव सभी मनोगतानाम मन में छुपे हुए भवानाम भावों का कर्गदोपरि कागज पर लेखन प्रारब्धम, लेखन प्रारंभ हो गया। लेकिन अब मतलब क्या है इस चीज का, देखिए सबसे पहले आए थे भोजपत्र और तालपत्र, लेकिन उसके बाद टेक्नोलॉजी लगातार बढ़ती गई और फाइनली हमारे पास क्या आ गए, कागज आ गए। अब जब कागज और पेन आ गए तो जो भी अब उनके मन में भाव थे लोगों के, वो क्या किया, लिखना स्टार्ट कर दिया। आपने सुना होगा पहले लेटर एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, तो लेटर्स के अंदर जो भी मन की बात होती थी या फिर जो भी इंफॉर्मेशन होती थी वो इसमें लिख के भेज दिया जाता था। तो यही अर्थ है इसका, बाद में समय, बाद के समय में कागज और पेन का जब आविष्कार हो गया तो अपने मन की स्थिति को, अपने मन के भावों को कागज पर लिखना प्रारंभ हो गया। ठीक है, आगे देखेंगे, टंगण यंत्रस्य आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टंकिता सती बहु कालाय सुरक्षितता अतिष्ठत वैज्ञानिक प्रवर्तिते प्रगति याता पुनरपि अग्रे गता। अब सबसे पहले इसका संधि विच्छेद देखते हैं। देखिए पुनरपि, पुनरपि दो वर्णों का मेल है, पुनः प्लस अपि। अब इसका हिंदी में अर्थ समझते हैं, टंगण यंत्रस्य, टंगण यंत्रस्य होता है टाइपराइटर, जिससे हम टाइपिंग करते हैं, टंगण यंत्रस्य यानी टाइपराइटर की आविष्कारेण, आविष्कार से तू, तो लिखिता सामग्री, जो भी हमारी लिखित सामग्री है, टंकिता सती छपाई होने पर, क्योंकि टाइपराइटर से जब बटन दबाते हैं तो उस पर क्या होती है, छपाई होती है, छपाई होने पर, टाइप होने पर, बहुकालाय सुरक्षितता, बहुकालाय यानी लंबे समय तक सुरक्षितता अतिष्ठित, सुरक्षित रहने लगी। अब जो हमारे कागज थे उनका गलने का भय था, जो इंक थी उसके ऊपर वो उड़ सकती थी, क्योंकि आज के टाइम में जो इंक है और उस टाइम में जो इंक थी थोड़ा अंतर तो था उसमें, ठीक है ना। और इसके अलावा जो हम टाइपिंग करके जो
टाइप होके आएगा वो पेज क्या है, लंबे समय तक सुरक्षित हमारे रह सकते थे। तो यहीं पे वो बात की जा रही है कि टाइपराइटर के आविष्कार से तो लिखित सामग्री जो थी टाइप होने पर लंबे समय तक सुरक्षित रहने लगी। वैज्ञानिक प्रवृद्धि प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रेगता, यानी वैज्ञानिक प्रदितेह, इसका मतलब है वैज्ञानिक तकनीक की प्रगति यात्रा, प्रगति की यात्रा पुनरपि और भी अग्रेगता आगे गई, यानी केवल यहीं पर वैज्ञानिक दृष्टि नहीं रुकी और आगे तक ये गई। और आगे जाके क्या मिला हमें, आगे जाके मिला हमें कंप्यूटर। देखिए समझते हैं, अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक नाम केन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। देखिए अद्य, अद्य का मतलब है आज, सर्वाणि, सर्वाणि का क्या मतलब हो गया हमारे यहाँ पर सभी, कार्याणि कार्य, आज सभी कार्य संगणक नाम केन, संगणक नाम केन किसको बोलते हैं, कंप्यूटर नाम के, जो कंप्यूटर देखने को मिलता है हमें घर पर उसी को क्या बोलते हैं संस्कृत में, संगणक नाम केन। यंत्रेण यानी यंत्रेण मतलब मशीन से, साधितानि भवन्ति साधे जाते हैं, यानी आज ज्यादातर जो काम है सभी जो काम है वो किससे किए जाते हैं, कंप्यूटर नाम के यंत्र से, कंप्यूटर नाम की मशीन से किए जाते हैं। तो यहाँ पे यही लिख रहा है, आज सारे काम कंप्यूटर नामक यंत्र से सिद्ध होते हैं, यानी उसे से किए जाते हैं। आगे देखेंगे, समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च। देखिए समाचार पत्राणि, समाचार पत्र न्यूज़पेपर, पुस्तकानि च और पुस्तकें, चा मतलब और पुस्तकें, कंप्यूटर माध्यमेनमेव कंप्यूटर के माध्यम से ही, पठ्यन्ते लिख्यन्ते चा पढ़ी जाती हैं और लिखी जाती हैं, यानी कि चाहे हमारा समाचार पत्र हो चाहे हमारी पुस्तक हो उसको हम कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं। आपने देखा होगा जितने भी हमारे न्यूज़पेपर हैं, जैसे अमर उजाला हो गया तो आप उसकी वेबसाइट पर जाके अमर उजाला पढ़ सकते हैं, और या फिर जो बुक पढ़नी चाहते हैं आप तो ई बुक जो आती हैं उसको भी आप पढ़ सकते हैं। और हम आपको बता दें क्लास 8 के संस्कृत की फुल नोट्स जिसमें आपको सॉल्यूशन भी मिलेंगे उसकी अगर आप ई बुक परचेज करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक के माध्यम से कर सकते हैं। और साथ में साइंस मैथ और जितने भी हमारे सब्जेक्ट होते हैं उन सभी की ई बुक जिसमें आपको उनके नोट्स मिलेंगे आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, कर्गदो दयोगे वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षाः कृतयन्ते स्मः, परम संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण वृक्षाणा कर्तने न्यूनता भवन्ति इति विश्वासः, अनेन पर्यावरण सुरक्षायाः दिशि महान उपकारो भवन्ति। देखिए अब इसका हम संधि विकसित समझते हैं, कर्गदो दयोगे, कर्गद उद्योग, यानी कर्गद उद्योग क्या होता है हमारे यहाँ पे, कागज का जो उद्योग होता है ना जिसमें कागज बनाए जाते हैं उसकी बात की जा रही है यहाँ पर। आगे देखेंगे, अधिकाधिक, अधिकाधिक देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर आ गया है शिफ्ट होके, ये अधिकाधिक दो वर्डों का मेल है, अधिक प्लस अधिक। आगे है उपकारो और भविष्यति, उपकारो और भविष्यति दोनों कैसे बने हैं हमारे यहाँ पर, उपकार प्लस भविष्यति। अब इसका हम हिंदी में अर्थ समझते हैं, देखिए कर्ग दो दयोगे यानी क्या होता है हमारे पे, कागज के उद्योग में वृक्षाणाम उपयोग गेन यानी वृक्षों के उपयोग से, वृक्षाः करते अंते स्मः वृक्ष काटे जाते हैं, यानी कागज के उद्योग में लगातार कागजों को जब हम उपयोग करते हैं तो उसके लिए क्या काटे जाते हैं, वृक्ष काटे जाते हैं, क्योंकि जो कागज होता है किससे बनता है, वृक्ष से ही बनाया जाता है। परम, परम मतलब परंतु, संगणकस्य कंप्यूटर के अधिकाधिक, अधिक से अधिक
प्रयोगेण प्रयोग द्वारा वृक्षाणा कर्तने वृक्षों की कटाई में न्यूनता भवंती कमी आएगी, क्योंकि अब हम कागजों पर कम काम करेंगे और कंप्यूटर पर ज्यादा काम करेंगे तो उसमें जो भी हम टाइप करेंगे वो अंदर ही उसके टाइप होगा, तो इस वजह से हमें ज्यादा कागजों की जरूरत नहीं पड़ेगी। इति विश्वासः, ऐसा हमें विश्वास है कि अगर हम ज्यादा से ज्यादा कंप्यूटर का यूज करेंगे तो पेजों की कम कमी होगी, और पेजों की जब कम कमी होगी तो पेज कम काटे जाएंगे, क्योंकि पेजों की ज्यादा जरूरत कब होती है, जब पेजों का ज्यादा यूज करते हैं तो कमी पड़ेगी नहीं पेजों की जितनी भी हमें जरूरत है, और पेड़ कम काटे जाएंगे। अनेन इसके द्वारा, किसके द्वारा, कंप्यूटर के द्वारा वृक्षों की कटाई में कमी आएगी, इस तरह से बोला जा रहा है। और जब वृक्षों की कटाई में कमी आएगी तो क्या होगा, अनेन पर्यावरण सुरक्षायाः, पर्यावरण की सुरक्षा दिशि दिशा में महान उपकारो भविष्यति, महान उपकार होगा, यानी कि अगर हम कंप्यूटर का यूज करेंगे ज्यादा तो उसकी वजह से पेड़ों की कटाई कम होगी, और जब पेड़ों की कटाई कम होगी तो पर्यावरण से क्या होगा, सुरक्षित होगा, और इस दिशा में महान उपकार होगा, क्योंकि आपको पता है कि पेड़ पौधों के ही माध्यम से हमें ऑक्सीजन मिलती है, और जब ऑक्सीजन की इंसान को कमी पड़ जाए या जानवरों को कमी पड़ जाए तो उसकी मौत तक हो सकती है, ये आपने कोरोना ड्यूरेशन में देख लिया होगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे अधुना आपने वस्तु क्रियार्थ रूपकाणाम अनिवार्यता नास्ति, नास्ति दो वर्णों का मेल है, ना प्लस अस्ति। आगे देखते हैं, अधुना, अधुना मतलब होता है इस समय, इस जो समय आज का जो टाइम है, आपने, आपने मतलब बाजार में वस्तु क्रियार्थ वस्तु खरीदने के लिए रुपये का नाम रुपयों की अनिवार्यता आवश्यकता, आवश्यकता नास्ती नहीं है, यानी आज बाजार में वस्तुएं खरीदने के लिए हमें रुपयों की आवश्यकता नहीं है। पैसे तो पैसों की जरूरत है, लेकिन हमें उस कैश लेके जाने की जरूरत नहीं, नोट लेके जाते हैं ना, उस तरह से उसकी आवश्यकता नहीं है। तो किसकी आवश्यकता है, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड इत्यादि सर्वत्र रूपकाणाम स्थानम गृहीवन्तो, वित्तकोशस्य बैंकस्य चापि सर्वाणि कार्याणि संगणक यंत्रेण संपाद्यन्ते। इसका चलिए अर्थ समझते हैं। देखिए, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड इत्यादि, ये जो हमारे डेबिट कार्ड होते हैं, जो हमारे क्रेडिट कार्ड होते हैं, ऐसी चीजों को, इत्यादि चीजों को सर्वत्र, सर्वत्र का क्या मतलब होता है हमारे यहाँ पर, सभी जगहों पर, जितनी भी जगह हैं जहाँ से हम सामान खरीद सकते हैं, सभी जगहों पर रुपये काणा रुपयों का स्थान जगह ग्रहित बंतो ग्रहण कर लिया है, यानी अगर आजकल हमें कोई सामान खरीदने जाना है तो हमें कैश लेके जाने की जरूरत नहीं है, हम अपने डेबिट कार्ड से और क्रेडिट कार्ड से उनका प्रयोग कर सकते हैं और कोई भी सामान खरीद के ला सकते हैं, यानी रुपयों की जगह अब किसने ले ली है, डेबिट कार्ड ने और क्रेडिट कार्ड ने। वित्त कोषस्य बैंकों में भी, वित्त कोषस्य क्या होता है, बैंकों में भी चापी सर्वाणी कार्याणी सभी कार्य संगणक यंत्रेण संपाद्यन्ते कंप्यूटर के द्वारा किए जाते हैं। जो बैंक होती हैं उनमें भी आजकल क्या यूज किया जाता है, कंप्यूटर किया जाता है। बहुविधा अनुप्रयोगा बहुमुद्राहीनाय विनिमयाय सहायका सन्ति। देखिए, बहुविधा अनेक प्रकार के अनुप्रयोग, जैसे हम क्या बोलते हैं, ऐप बोलते हैं, और फुल फॉर्म होती है एप्लीकेशन। मुद्राहीनाय विनिमय कैशलेस ट्रांजैक्शन, जिसमें हम कैश को ना दें, उसके लिए क्या है, सहायका संति सहायक हैं, यानी कि मार्केट के अंदर बहुत प्रकार के ऐप्स हैं जो कि कैशलेस ट्रांजैक्शन में सहायक हैं, जैसे कि पेटीएम गूगल पे फोन पे, इनकी हेल्प से हम बिना डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के और बिना कैश के भी पेमेंट कर सकते हैं। कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत रेल यान यात्रा पत्रस्य वायु यान यात्रा पत्रस्य अनिवार्यता नद्य आसीत। देखिए, दो वर्डों का मेल है, कुत्रापि कुत्र प्लस अपि। आगे है उपकार भवंती, ठीक है, यहाँ पर गलती से आ गया तो इसको आपको ध्यान यहाँ पर नहीं देना है। आगे देखेंगे, कुत्रापि
उत्तरापी मतलब कहीं भी, यात्रा यात्रा मतलब जब हम सफर पर जाते हैं तो उसे यात्रा बोलते हैं। करणिया भवेत, अगर हमें करनी हो कहीं भी यात्रा करनी हो तो क्या करना पड़ेगा, रेल यान यात्रा पत्रस्य, रेल की टिकट हमें खरीदनी पड़ती थी पहले, लेकिन अगर आज हमें कहीं भी यात्रा करनी है तो रेल यान यात्रा पत्रस्य, रेल की टिकट, वायु यान यात्रा पत्रस्य, हवाई जहाज की टिकट, अनिवार्यता जरूरत नद्य आसीत, आज नहीं है, यानी टिकट तो खैर हमें लेनी पड़ेगी, पैसे तो डालने पड़ेंगे, लेकिन जो हमें कागज की टिकट मिलती थी उसको अपने साथ हमें रखना होता था, उसको आज अपने साथ रखने की जरूरत हमें नहीं है, क्योंकि उसमें खोने का खतरा भी रहता है। सर्वाणी पत्राणी अस्माकम् चल दूरभाषण यंत्रेन ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति, यानी संदृश्य व्यम शोकणेन यात्राणाम आनंदम गृहितम्। देखिए सर्वाणी, सर्वाणी मतलब होता है हमारा सभी, पत्राणी सभी प्रकार के पत्र, अस्माकम हमारे चल दूरभाषण यंत्रे मोबाइल में ईमेल, जो मोबाइल के अंदर ईमेल होता है, ईमेल नामक, इति स्थाने स्थान पर, सुरक्षितानि भवन्ति सुरक्षित होते हैं, यानी कि अब हमें कोई भी टिकट अपने पास रखने की जरूरत नहीं है, अगर कोई टिकट देखना चाहता है तो हमारे फोन में जो ईमेल आईडी होती है उस पर क्लिक करके हम उसे दिखा सकते हैं, जिससे कोई कोने का भी भय नहीं रहता। यानी जिन्हें संदस्य दिखाकर वय हम सब सौकणेन आज आसानी से यात्राणा यात्रा का आनंदम ग्रहिम आनंद उठा सकते हैं। आगे देखेंगे चिकित्सालय अपि उपचारार्थ रूपे काणाम आवश्यकतांध नानुभूयते सर्वत्र कार्ड माध्यमेन ई बैंक माध्यमेन शुल्कम प्रदाप्तु शक्यते। देखिए इसका जो संधि विच्छेद होगा वो क्या होगा, चिकित्सालय प्लस अपि, आगे देखेंगे आवश्यकतार्थ, तो आवश्यकता प्लस अर्थ, आगे है नानुभूयते, ना प्लस अनुभूयते। अब इसका हम हिंदी में अर्थ समझते हैं। देखिए चिकित्सालय अपि, चिकित्सालय अपि हमारा क्या होता है, चिकित्सालय अपि होता है हमारे यहाँ चिकित्सालय में भी, जो चिकित्सालय होते हैं हॉस्पिटल्स होते हैं उनमें भी उपचारार्थ उपचार के लिए रुपये काणाम रुपयों की आवश्यकतार्थ आज आवश्यकता नानुभूयते जरूरत महसूस नहीं होती है, यानी वैसे तो पैसे चाहिए लेकिन कैश की आज हमें जरूरत महसूस नहीं होती है। सर्वत्र सभी जगह कार्ड माध्यमेन कार्ड के माध्यम से, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, ई बैंक माध्यमेन ई बैंकिंग के माध्यम से शुल्कम यानी कि जो फीस होती है डॉक्टर की प्रदाप्तुम शक्यते हम दे सकते हैं, यानी कि आज हमें अस्पतालों में इलाज के लिए रुपयों की आवश्यकता की अनुभव नहीं होती है, हम वहां पर भी और हर जगह डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के माध्यम से या फिर ई बैंकिंग के माध्यम से डॉक्टर की फीस सबमिट कर सकते हैं। आगे देखेंगे तद दिनम नाति दूरहम यदा वयम हस्ते एकमात्रम चल दूरभाषण यंत्र मादाय सर्वाणि कार्याणि साधयितुम सर्वर्थो भविष्याम। देखिए तद, तो वर्डों से मिलके बना है तत प्लस दिनम, आगे है नाति दूरम ना प्लस अति दूरम। अब इसका हम क्या करते हैं हिंदी में अर्थ समझते हैं। देखिए हिंदी में अर्थ अगर हम इसका देखते हैं तो क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर, तत्दिन, तत्दिन का मतलब होता है वह दिन नाति दूरम अधिक दूर नहीं है, यदा वयम जब हम हस्ते हाथ में एकमात्रम केवल और केवल एक चीज, क्या चीज, चल दूर भाषण यंत्रामदाय मोबाइल फोन को लेकर सर्वाणी सभी कार्याणि कार्य साध साधितु समर्थ
हो, यानी साध्येतु क्या होता है हमारे यहाँ पर, समर्थ होंगे। साध्येतु समर्थो भविष्याम, करने में समर्थ होंगे, यानी वह दिन अब ज्यादा दूर नहीं है जब हमारे हाथ में केवल और केवल फोन होगा और फोन के माध्यम से ही हम सभी काम कर लेंगे और किसी चीज की हमें जरूरत नहीं होगी। आगे देखेंगे, वस्त्र पुट के रूपकाणाम आवश्यकता न भविष्यति, पासबुक चेकबुक इत्यनयोः आवश्यकता न भविष्यति। देखिए, वस्त्रपुट के जेब में, वस्त्रपुट के क्या होता है, हमारी जो जेब होती है उसकी बात की जा रही है, जेब में रुपयकाणाम रुपयों की आवश्यकता न भविष्यति, आवश्यकता नहीं होगी। पासबुक चेकबुक, जो पासबुक होती है और जो चेकबुक होती है, इत्यनयोः, इन दोनों की आवश्यकता न भविष्यति, इन दोनों की भी कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। देखिए इसकी संधि विच्छेद देख लेते हैं, इत्यनयो इति प्लस अनयो। देखिए यहाँ पे जैसे कि हमने आपको बताया, जेब में रुपयों की जरूरत नहीं होगी, पासबुक और चेकबुक इन दोनों की भी जरूरत आगे भविष्य में नहीं होगी। ठीक है, पठनार्थ पुस्तका नाम समाचार पत्राणाम अनिवार्यता समाप्त प्रायः भवन्ती। पठनार्थ, पढ़ने के लिए पुस्तकाणा, समाचार पत्राणाम पुस्तकों की और समाचार पत्रों की अनिवार्यता, जरूरत समाप्त प्रायः, लगभग समाप्त भविष्यति हो जाएगी। यानी पढ़ने के लिए जो पुस्तकों की जरूरत होती है और जो समाचार पत्रों की जरूरत होती है वो क्या होगी, लगभग खत्म हो जाएगी, क्योंकि इंटरनेट के माध्यम से ही हमें सभी न्यूज मिल जाएंगी और सभी पढ़ने के लिए बुक्स भी मिल जाएंगी। लेखनार्थम अभ्यास पुस्तिकायाः कर्गदस्य वा नूतन ज्ञानान्वेषणार्थम शब्दकोशस्य अपि आवश्यकतापि न भविष्यति। अब इसका संधि विच्छेद देखते हैं, ज्ञान प्लस अन्वेषणार्थम, आगे है शब्दकोशस्य प्लस अपि, आवश्यकता प्लस अपि, हिंदी में समझते हैं, लेखनार्थम, लेखनार्थम यानी लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिकायाः, अभ्यास पुस्तिका की, जिसे हम नोटबुक भी बोलते हैं, जो हमारी कॉपी होती है, उसकी बात की जा रही है। कर्गदस्य वा या फिर कागज की, नूतन ज्ञान अन्वेषणार्थम, नई जानकारी और क्या होगा, नई जानकारी की खोज के लिए। कौन सी नई जानकारी, जो हमारे वर्ड होते हैं ना, जो नए नए वर्ड होते हैं उनकी हमें पता नहीं होती, शब्दकोशस्य डिक्शनरी की आवश्यकता भी ना भविष्यति, उसकी आवश्यकता भी नहीं होगी। यानी कि हमें कुछ भी लिखने के लिए ना तो कॉपी की जरूरत होगी, जिसे हम नोटबुक बोलते हैं, ना ही पेजों की जरूरत होगी, और नई नई जानकारी निकालने के लिए, जो नए नए वर्ड होते हैं इंग्लिश के, उसको देखने के लिए हमें डिक्शनरी की भी जरूरत नहीं होगी, सब हमें कंप्यूटर पर और मोबाइल पर मिल जाया करेगा। आगे देखेंगे, अपरिचित मार्ग सस्य ज्ञानार्थ मार्ग दर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकतायाः अनुभूति ही अपि न भविष्यति। इसका हिंदी में अर्थ समझते हैं, अपरिचित मार्गस्य, अनजान रास्तों की ज्ञानार्थ, जानकारी के लिए, क्योंकि जब भी हम अनजान रास्ते पर जाते हैं तो उसकी जानकारी हमें जरूरी होती है। मार्गदर्शकस्य यानी कि मार्गदर्शन की जो गाइड होती है, पहले क्या चलते थे, मैप चलते थे, मानचित्रस्य जिसे हम क्या बोलते हैं, मैप बोलते हैं, जिसमें कागज पर पूरी डायरेक्शन छपी रहती है, आवश्यकतायाः उसकी आवश्यकता अनुभूति अपि न भविष्यति, उसकी महसूस भी जरूरत नहीं होती है। यानी अनजान रास्तों की जानकारी के लिए हमें मार्ग गाइड यानी कि मैप की आवश्यकता की अनुभूति जरूरत महसूस नहीं होती है, क्योंकि आजकल अगर हमें कहीं बाहर जाना है तो गूगल मैप आता है मोबाइल के अंदर, उसका यूज करके हम बड़े आराम से रास्तों का पता लगा सकते हैं। आगे देखेंगे, एतत् सर्व एकेनेव यंत्रेण कर्तुम शक्यते। इसका संधि विच्छेद एकेन प्लस एव, यानी एकेन सर्व, यह सब एकेनेव, एक ही यंत्रेण मशीन से कर्तुम शक्यते, कर सकते हैं। यानी ये जो पूरा काम है हमारा, नोटबुक का काम हो, चाहे हमारा डिक्शनरी का काम हो, या जितने भी काम हो, सब क्या कर सकते हैं, हम केवल और केवल मोबाइल की सहायता से कर सकते हैं।
आगे शाकद्रिक्रियार्थम। शाक का क्या मतलब होता है हमारे यहाँ पर, जो सब्जी वगैरह होते थे ना पहले लोग कहते हैं शाक खरीदने जा रहे हैं, उस तरह से सब्जी आदि खरीदने के लिए। फल क्रियार्थम, फल खरीदने के लिए। विश्राम गृहेशु कक्ष सुनिश्चित, एक मिनट, सुनिश्चित यानी विश्राम ग्रहों में कक्ष सुरक्षित करने के लिए, यानी कि कमरा लेने के लिए सुनिश्चित करने के लिए। कुर्तम करने के लिए, कुर्तम क्या होता है हमारे यहाँ पे, करने के लिए। चिकित्सालय शुल्क, हॉस्पिटल में शुल्क प्रदातुम, शुल्क देने के लिए। विद्यालय महाविद्यालय, स्कूल्स होते हैं विद्यालय और महाविद्यालय होते हैं कॉलेज। चापी शुल्क प्रदातुम यानी कि विद्यालय और महाविद्यालय में भी शुल्क देने के लिए। प्रदातुम की बहुना दानमपि दातु इति, की बहुना मतलब की और तो और, दान देने के लिए भी चल दूरभाषण यंत्रमेव अलम, मोबाइल फोन का ही यूज करते हैं वही क्या है पर्याप्त है। देखिए यहाँ पर चापि, चा प्लस अपि, यहाँ पर ये जो वर्ड है ना चा प्लस, इसकी बात की जा रही है यहाँ पर, इसका संधि विच्छेद यहाँ पे शो किया गया है। दानम प्लस अपि, दानमपि, यहाँ पर ये वाला जो है यहाँ पर लिया गया है। आगे देखेंगे, देखिए जैसा कि हमने आपको बताया इसका अर्थ सब्जियां आदि खरीदने के लिए, फलों की खरीदारी के लिए, गेस्ट हाउस होटल में कमरे बुकिंग के लिए, अस्पताल में फीस देने के लिए, विद्यालय और महाविद्यालय की भी फीस देने के लिए, और तो और दान करने के लिए भी मोबाइल फोन ही काफी है। और इसी के दिशा में हमारा क्या है, हम बढ़ते हुए जा रहे हैं, तो हम क्या बोल सकते हैं, डिजी भारतम इति अस्य दिशि वय भारतीय द्रुतगत्या अग्रेसराम, यानी डिजिटल इंडिया, इस दिशा में हम सब भारतीय तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। और इसी के साथ ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। कोई भी डाउट होने पे आप हमें कमेंट कर सकते हैं।